बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने राहुल गांधी के ऊपर दिए अपने विवादित बयान पर कांग्रेस पार्टी ने कड़ा ऐतराज जताया है। हमीरपुर कांग्रेस ने प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल और जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर की अगुवाई में गांधी चौक पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और पुतला जलाया। इस अवसर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सतपाल सत्ती के खिलाफ नारेबाजी की और सत्ती के साथ साथ भाजपा से भी माफी मांगने की मांग की। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर, वरिष्ठ नेता अनिल वर्मा, जिला उपाध्यक्ष सुमन भारती के अलावा कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने सतपाल सत्ती के बयान पर कहा कि सत्ती आज के समय में अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और कहा कि सत्ती की जनसभाओं का वीडियो सभी के पास उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि सत्ती किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त लगते हैं क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे कि क्या वे कह रहे हैं और कहां क्या कहना है। उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्था राधा स्वामी के लिए भी जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो अशोभनीय हैं। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि सतपाल सत्ती के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग बहुत ही घटिया है और एक और तो पार्टी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है वो निंदनीय है। जिला प्रशासन द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा की अनदेखी किए जाने पर कांग्रेसी नेताओं ने जमकर जिला प्रशासन को लताड़ा है। गांधी चौक पर प्रतिमा की सफाई कई दिनों से नहीं किए जाने पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने प्रतिमा भी साफ की। आपको बता दें कि गांधी चौक पर लगाई गई प्रतिमा के ऊपर गंदगी की भरमार थी और प्रतिमा पर पंछियों ने गंदगी फैलाई हुई थी जिन्हें कांग्रेसी नेताओं ने पूरी तरह साफ किया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल वर्मा का कहना है कि जिला प्रशासन या नगर पालिका की ये नलायकी है जो राष्ट्रपिता के साथ ये सब हो रहा है। उनके एक बूथ की सफाई तक नहीं की जा रही है, इसलिए कांग्रेस जनों ने इकट्ठा होकर बापूजी की सारी मूर्ति की सफाई की है ताकि इतिहास साक्षी रहे कि कांग्रेस जो कि बापूजी की देन है आज भी उनके साथ खड़ी है। वहीं कांग्रेस महासचिव अजय शर्मा ने बताया कि बड़ी हैरानी की बात है कि जिला प्रशासन इस तरह बापू की प्रतिमा की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह सफाई के लिए बढ़ती जा रही कोताही के कारण कांग्रेस जनों में गहरा रोष है। और आज हम इसके माध्यम से ये भी संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की संस्कृति जो है, जो हमारे पूर्वजों को संभाल के रखने के लिए है, जैसे ये भी हमारे पूर्वज ही हैं जिन्होंने हमें आज़ाद करा के आज हमें हिंदुस्तान दिया है, तो हमारे पूर्वजों तो ये सब लोगों को इनकी पूर्वजों की जो है ये रखनी चाहिए। उसी के अनुरूप मैंने देखा कि ये है तो क्यों नहीं आज हम इस कार्य को पूरा करें, वो इसलिए किया है।